रक्त ध्वज को नाटक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चौथा दृश्य देखा था, शुरू किया था। रात शुरू होने वाली है, यहाँ से देखो रात शुरू होने वाली है। दीत्या का घर है, दीत्या अपनी पत्नी सावंती से बातचीत करता हुआ। सावंती कहती है कि देखो मैंने अपने यहाँ पे गोदना गुदवाया है आपके लिए, रूपान का निशान बताती है। फिर वो जान जाती है कि इसका मन नहीं है बात करने का, तो पूछती है क्या बात है मुझे बताओ। दीत्या शुरू में बताना नहीं चाहता, लेकिन जब वो बार बार जिद करती है तो उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे दो तांत्रिक आए थे और मैंने वचन दिया है गोविंद स्वामी को कि मेरे गांव की जनता बेगार पे नहीं जाएगी, भील बेगार नहीं करेंगे, और धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ तांत्रिक हैं जो बताते हैं कि खेड़े का विनाश हो जाएगा अगर मैं लोगों को बेगार पे जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तो, और दूसरी तरफ गोविंद स्वामी को दिया हुआ वचन है। तो ये अपनी दुविधा बताता है। तो यहाँ से देखो आप, सावंती पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर, फिर कभी ऐसा मत कहना, ये इसलिए कह रही है कि क्योंकि इसकी तीन औरतें पहले मर चुकी है और एक चौथी है सावंती, तो ये बोल रहा है कि मैं तो हत्यारा हूँ ऐसा मुझे लगता है। गमेती मुखिया बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तो हत्यारा हूँ, तो इसकी पत्नी रोकती है कि नहीं ऐसा कभी मत कहना। अब देखो आगे, काठो काम है यानी कठिन काम है, काठो काठो यानी कठिन, काठो काम है। मैं जरे मजाक कर रही थी, पर आज जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिससे तू मुझसे छिपा रहा है। बता क्या हुआ है, मुझसे कुछ छिपा रहा था? दीत्या, हाँ है ऐसा कुछ, पर तेरे लिए उसका कोई और अर्थ नहीं, सब उड़द है। उड़द यानी व्यर्थ, सब उड़द है, उड़द यानी सब व्यर्थ है, तेरे लिए सब बेकार है। मैंने कहा तो तूने दारू छोड़ दी, तो मैंने कहा तो तूने अपने को तापरे में कैद कर लिया। मैं डरती थी कि कहीं कोई जादूगरनी तुझ पर जादू नहीं कर दे, पर तू असली मर्द निकला, सच्चा और सूधा यानी सीधा। जिंदगी मेरे लिए सावंती उसकी अमानत है, मेरा यहाँ क्या है, कुछ भी तो नहीं, उसका ही है, वही है, मैं हूँ ही कहाँ, यानी ईश्वर की बात कर रहा है। आगे देखो, मेरे बोलते कि तू बता, तो दीत्या बोलता है तो क्या करेगी जानकर। सावंती बोलती फिर भी बताओ क्या परेशानी है। जिंदगी अजीब है, अपने किए से कुछ नहीं होता, जो होता है हो जाता है, और तारीफ यह है कि वह भी हमें यानी उससे जो वैसा नहीं करना चाहता वह करवा लेता है। ये व्याख्या आ सकती है, इस तरह की ही व्याख्याएं आती हैं। व्याख्या किसी विचार पे बेस्ड होती है अधिकतर। तो यहाँ पे दीत्या एक, अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आदिवासियों में भी कोई ऐसा बात कह सकता है क्या। जिंदगी अजीब है, अपने किए से कुछ नहीं होता, जो होता है हो जाता है, और तारीफ यह है कि वह भी हमसे यानी उससे जो वैसा नहीं करना चाहता वह करवा लेता है ईश्वर। एक कैसी पीड़ा है, एक तरफ खेड़ा और दूसरी तरफ अपना प्रण, एकदम अकेला, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही। तो इसकी पत्नी बोलती है कि ज़रूर कोई डाकन वाकन डायन वायन का काम है, चुड़ैल उड़ैल का काम है, जो तुझे फंसा रही है, ऐसा कर रही है। तो भोले भाले आदिवासी हैं, आज भूतों में पिशाचों में विश्वास है, तो बोलती है कि ज़रूर कोई डायन वायन है जो ऐसा कर रही है, करवा रही है। कैसे डाकन साकन, भाग्य में जो लिखा है उससे नहीं मिटाया जा सकता। बोला रो भगवान से, तू चिंता ना कर, तू तो बड़ा बता खेड़ा पर क्या मुझे बताने वाली है। कल पंचायत इसी विषय पर जुड़ेगी। किस विषय पर? कि गोविंद स्वामी को दिए वचन से मुंह मोड़ लूँ, सवाल है। गोविंद स्वामी से वचन दिया है कि बेगार नहीं करूँगा और करने दूंगा, तो क्या उससे मुंह मोड़ लूँ, इसी विषय पर कल पंचायत जुड़ेगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? दीत्या कहता है कि खेड़ा चाहता है कि क्या चाहता है,
चाहता है कि अपना प्रण तोड़ दो, लेकिन मैं सोचता हूं कि उसको निभाऊंगा। सावंती, फिर सोचना क्या? दीतिया, मैं खेड़े का गमेती हूं ना, गमित यानी मुखिया, गमेती बोलते हैं मुखिया को, मैं खेड़े का गमित हूं ना, तो इसलिए पंचायत बुलानी पड़ रही है, फैसला पंच करेंगे। सावंती, तो क्या हुआ, कोई भी फैसला करे। ये मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है इसकी पत्नी सावंती। द्वितीया बोलता है कि पंच गोविंद स्वामी के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? हमने देखा था कि दो तांत्रिक आए थे जो सारे पंचों को, सारे गांव वालों को बरगला गए, बहला गए, उल्लू बना गए, डरा गए धर्म के नाम पर। द्वितीया पंच गोविंद स्वामी के पक्ष में नहीं है। तो सावंती कहती है, पंखों को रस्सी से बांधते हुए, न हो, तू तो अपने मन का मालिक है ना, दूसरों के मन का नहीं। पंखे कौन से? ये जो हाथ से हवा करने के होते हैं ना, उनकी पंखों को हाथ से बांधते हुए, रस्सी से बांधते हुए। तो तू तो अपने मन का मालिक है, दूसरों के मन का नहीं। पंचायत के निर्णय से ऊपर कोई नहीं है, वह अंतिम है, वह आखिरी है। द्वितीय कहता है, पंचायत के सामने मैं हार जाऊंगा। सावंती कहती है, इसमें कैसी हार, पंखों को एक ओर रखते हुए, जो हाथ से हिलाने के पंखे आते हैं ना, उनको एक ओर रखते हुए, पंचायत से ऊपर कोई नहीं, पंचायत से टीली वराड़। देखो, टीली वराड़ का अर्थ नीचे दे रखा है। टीली वराड़ और धुआं वराड़ दो टैक्स हैं ये। टीली वराड़ का अर्थ दिया है शादी ब्याह के समय विशेष कर, और धुआं वराड़ का अर्थ दिया है जंगलात का कर, यानी जंगलों में ये सामान इकट्ठा करते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स। तो पंचायत ने टीली वराड़ यानी शादी के टाइम पे दिया जाने वाला टैक्स, और जंगल में सामग्री इकट्ठा करने के लिए धुआं वराड़ दिया जाने वाला टैक्स फैसला किया था। पंचायत ने टिल्ली वराड़ और धुआं वराड़ के पक्ष में फैसला किया था, तब भी तुम निजी तौर पर उसके खिलाफ थे, लेकिन वो फैसला तुम्हें मानना पड़ा था ना। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा कि पंचायत तुम्हारे खिलाफ जा रही है। अब से पहले भी पंचायत तुम्हारे खिलाफ गई है, जब शादी ब्याह के नाम पर टैक्स देने की बात आ रही थी, या जब धुआं वराड़ यानी जंगलात का टैक्स देने की बात आ रही थी। द्वितीय बोलता है कि वह और बात थी, तब स्थिति कुछ और थी। सावंती, मैं सोचता हूँ शायद यही एकमात्र रास्ता है, टहलते हुए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यही एकमात्र रास्ता है। पूछती है, कौन सा रास्ता है? तो बोलता है मुखिया गमेती, अब एक ही रास्ता है कि मैं त्याग पत्र दे दूँ, इस्तीफा दे देता हूँ, त्याग पत्र दे देता हूँ। किस पद से? गमिति के पद से। गमिति यानी बिलो के गांव का मुखिया। सावंती, क्यों? कपड़ों को एक ओर रखते हुए त्याग पत्र की क्या जरूरत है? गोविंद स्वामी द्वितीया बोलते हैं, गोविंद स्वामी को मैंने गमिति की हैसियत से विश्वास दिलाया था कि मैं किसी को बेगार नहीं करने दूंगा, और जब मैं गमेती ही नहीं रहूंगा तब मैं दिए अपने वचन को निभाने से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने वचन दिया था तब मैं गमेती था, और जब मैं गमेती ही नहीं रहूंगा तो मैं उस वचन से बंधा भी नहीं रहूंगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं त्याग पत्र दे दूं। ये अपने घर में सोच रहा है, कल पंचायत बैठने वाली है, कि बेगार पे जाए कि ना जाए। सावंती बोलती है, तेज स्वर में बोलती है, तू क्या बुजदिली दिखाएगा, कायरपन दिखाएगा? बुजदिल यानी कायर। द्वितीय चौंक कर, त्याग पत्र क्यों नहीं दू, बताओ मुझे क्यों नहीं देना चाहिए त्याग पत्र, मुझे देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, तुम बताओ। अब देखो सावंती इसको ज्ञान दे रही है।
गमेती होने के कारण तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि खरले के साथ रहो। खरली यानी सच्चाई, सत्य। देखो खरली का अर्थ यहाँ देवी रखा है नीचे, सत्य। खरली यानी सच्चाई। मैं भी यही चाहता हूं, तो फिर सोच की क्या बात है। दो जोगी अपने खेड़े में आए थे, सावंती बोलती है, जिनकी चर्चा चल रही है। हाँ वे ही। मेरा जी नहीं मानता कि वो सच हो सकते हैं। दीत्या बोलता है कि वे पहुंचे हुए सिद्ध थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। वो अतीत भी जानते थे, भविष्य भी जानते थे, वर्तमान भी जानते थे, कोई छोटे मोटे सिद्ध नहीं थे, पहुंचे हुए सिद्ध थे। हाँ वे ही जिनकी चर्चा चल रही है, वे ही। हाँ वे ही, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते थे, ऊंचे महात्मा थे, तभी तो भेंट में कुछ भी नहीं स्वीकारा, खाली हाथ ही खेड़े से चले गए। देखो तांत्रिकों का इम्प्रेस करने का तरीका, जैसे कुछ नहीं लिया ना पैसा टका पैसे भेंट, तो बहुत इम्प्रेस हुए कि वो तो हमारा भला चाहते थे, कुछ भी नहीं लिया उन लोगों ने तो भेंट में, खाली हाथ ही चले गए। तो ऐसा करके उन लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, दोनों तांत्रिकों ने। रक्त ध्वज की कहानी उनकी ही है, पूछती है जो वो बताया जा रहा था कि जो सफ़ेद झंडा है वो लाल रंग का हो गया है, तो क्या ये रक्त ध्वज की कहानी खून के रंग के झंडा हो जाने की कहानी उन दोनों तांत्रिकों की ही है। हाँ उनकी ही है, सावंती बोलते। तू डरता है, सवाल खेड़े का है, एकला मेरा नहीं। वो अब आरोप लगाती है कि तू डरता है, तो ये जवाब देता है कि भाई ये कोई मेरी अकेले की बात नहीं है, ये सवाल इस खेड़े का है, पूरे गांव का है, कोई मेरे अकेले की बात नहीं है, ये सारे गांव की रक्षा करनी है, सारे गांव को बचाना है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे इसको कल, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।